हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एकदम और अच्छे से अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग कुकिंग वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं फिर से एक बार आप लोगों के कुकिंग वीडियो लेकर हाजिर हूँ। लेकिन आज मैं बिल्कुल डिफरेंट चीज बनाने वाली हूँ, एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। इवन आप एक्सपेरिमेंट क्या, मैंने एक दो बार बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बनता है। तो आज हम बना रहे हैं ब्रोकली पराठा। जनरली आप लोगों ने आलू पराठा, मूली पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, मिक्स पराठा, ये सब पराठे सुने हैं। लेकिन ब्रोकली पराठा मतलब एक हेल्दी वर्जन है। आप मतलब ऑयल वगैरह इसमें, मतलब इसको एक हेल्दी तरह से बनाना है। मेन चीज ये है, ब्रोकली भी हेल्दी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा फाइबर होता है उसके अंदर, विटामिन होते हैं, तो गुड फॉर हेल्थ। तो आप ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो फटाफट देना करते हो, आपको किचन में लेके चलती हूँ और आप रेसिपी को एंजॉय कीजिए। हमने एक पैन लेना है नॉनस्टिक, और फ्लेम मीडियम रखना है। तो जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए, उसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने जो भी आप वेजिटेबल ऑयल यूज करते हो वो ऐड करना है। ज्यादा नहीं ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। और जो मैं ये बना रही हूँ, ये 2 पराठे की स्टफिंग है, एक ये परवेश खाएंगे, एक मैं खाऊंगी, तो मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी। आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि आप लोग कितना बनाओगे। तो मैं मेजरमेंट 2 पराठों की स्टफिंग के हिसाब से बता रही हूँ आपको। जैसे ही ये ऑयल जो है गर्म होगा, इसके अंदर हम क्यूमिन सीड्स ऐड कर देंगे, जीरा, और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इसके अंदर। तो जीरा मेरा आप देख पा रहे होंगे अच्छे से भुन गया है। अब मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज का ब्रोकली को ग्रेट करके रखा हुआ था, तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये मैं जस्ट 2 पराठे की स्टफिंग के हिसाब से आपको बता रही हूँ। आप जितने बंदे या जितने फैमिली मेम्बर्स आपकी फैमिली में हैं उसके अकॉर्डिंग स्टफिंग बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और मैं क्या बताऊँ, इतनी अच्छी, अभी मैंने जस्ट ऐड करी है और इसकी खुशबू मतलब बहुत अमेजिंग खुशबू है। इसे तब तक रोस्ट करते रहेंगे हम, तब तक इसका मॉइस्ट इससे ना निकले। और इसको एक बात और ध्यान रखना है, इसको ऐसे ही खुला ओपन चलाना है, इसके ऊपर कोई लिड वगैरह या ढक्कन जो भी आपको नहीं लगाना है। अभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कोई इसमें ऑयल जरा भी नहीं बचा है, और ये थोड़ा ड्राई ड्राई होने लग गया है। तो अब मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्राई मैंगो पाउडर, अमचूर पाउडर लिया है, उसको ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, फेनगुरिक ड्राई वाली, मेथी कसूरी उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून ओरिगैनो एंड 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स एंड 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। तो इनको सबको ऐड कर देंगे इसके अंदर और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे अब इसको। अभी मैं वीडियो बनाते हुए चिमनी चला नहीं सकती हूँ, और इससे कब बन रहा है मेरे को। तो ये देखो बिल्कुल ये सूखा हो गया, मतलब बिल्कुल स्टफिंग के लिए बिल्कुल रेडी है ये। बट एक चीज का ध्यान रखना है, अभी आप सोच रहे होंगे मैंने कोई सॉल्ट ऐड नहीं किया इसमें। अभी सॉल्ट हम तब ऐड करेंगे जब हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे स्टफिंग करेंगे, तभी हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर लेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी है, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद अपना ब्रोकली पराठा बनाएंगे। तो अभी ये इसको अलग प्लेट में निकाल देते हैं। बाकी आपको पता ही होगा इसके अंदर लॉट्स ऑफ प्रोटीन है, विटामिन सी है, विटामिन के है, आयरन है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप आलू पराठा और मूली पराठा छोड़ के कुछ दिन ब्रोकली पराठे पे आके देखिए, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो इस रेसिपी को कुछ हटकी है, कुछ ऑफ द बीट जाके कुछ रेसिपी है ये, तो आप इसको जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी बनी थी। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे टैग कर सकते हैं। तो फॉर पराठा नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड अ डो फॉर पराठा।
तो यहाँ मैंने डो पहले ही बना लिया है। इसमें मैंने थोड़ा आटा, थोड़ा बेसन और हल्का सा सॉल्ट मिला के एक डो बना लिया, सॉफ्ट सा कुछ इस तरह का। तो अभी इसको पराठे का शेप देंगे और ब्रोकली को इसके अंदर फिल करेंगे। यह बनाने से पहले मैंने आपको बोला था कि इस मिक्सचर के अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। तो इसमें मैंने इसके अंदर फिलिंग डाल दी है और अब इसको राउंड राउंड करके बंद करके, और हम जैसे नॉर्मल पराठा बेलते हैं वैसे हम इसको फ्लैट कर लेंगे। तो जब तक मैंने पराठा बनाया, एक साइड पे मैंने तवा गरम होना रख दिया और अब मैं इस पे पराठा डाल दूंगी और अच्छे से सेक लूंगी। तो एक तरफ से पराठा हो गया है, अब मैं इसको दूसरी तरफ से पलट दूंगी। सॉरी बार बार मैं खांसी कर रही हूँ, बट चिमनी नहीं चला सकती हूँ तो पूरा इसे ब्रोकली की वजह से स्मोक स्मोक हो गया है किचन में। तो ऐसे इसको घुमाना है। एक बात का और ध्यान रखना, आप हेल्दी चीज़ बना रहे हो तो ये नहीं कि ज़्यादा ऑयल या घी इसके अंदर आप ऐड कर दो, इसको थोड़ा हेल्दी ही रहने दो। तो अभी लगाएंगे इसके ऊपर थोड़ा सा घी, पलट देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ड्रॉप में घी लगाया मैंने इसके ऊपर, एकदम क्रंची हो गया है। अब इसको सर्व कर देते हैं। सो मैंने प्लेटिंग करी है ब्रोकली पराठा विद चिल दही कर्ड। आप चाय, दूध, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ नई रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी। सो गाइज, आई होप यू एंजॉय द रेसिपी और आप जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि कुछ हटके मैं ये रेसिपी लेकर आई थी। और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसने बेल बटन प्रेस नहीं किया है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपना प्यार ऐसे ही देते रहे। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, वहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई ये रेसिपी ट्राई करेगा और मुझे मेंशन करेगा इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसकी स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर करूंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए और टैग करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।